आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं और इसका पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये उसका पार्ट टू है। तो पार्ट वन उसका जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीजें मैंने काफी हिस्ट्री कवर की है। मैंने बताया था कि किस तरह से 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और नींव पड़ जाती है भैया, डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन करते हैं, वाइस रॉय होते हैं 1898 से 1905 तक, ठीक है। तो वो जो बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो हिंदू मेजोरिटी वाला पार्ट है, ठीक है, बंगाल का, वो अलग करो, और जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला पार्ट है, जो ईस्ट बंगाल है, जो आज बांग्लादेश है, उसको अलग करो। तो ये पार्टीशन हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सबके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठाती है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद सूरत स्प्लिट हो जाता है, तो वो जो मूवमेंट है उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाता है, मतलब कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है। फिर उसके बाद लखनऊ पैक्ट साइन होता है, वर्ल्ड वॉर वन भी उसी समय होता है। कांग्रेस कहती है, इंटरनेशनल कांग्रेस, कि हम सबको यूनाइट हो जाना चाहिए, और मुस्लिम लीग से बोलती है कि आप हमारे पास आ जाइए। मुस्लिम लीग बोलती है कि हम बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तो लखनऊ पैक्ट साइन होता है 1916 में। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो काफी बड़ा रोल उसमें प्ले करते हैं, और उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात होती है। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है, अगेन खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है उसमें भी। लेकिन वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। फाइनली 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसमें सारी पावर इंडिया को ट्रांसफर होती है। 1937 में इलेक्शंस होते हैं, सारी पावर से मतलब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडिया को इजाजत होती है कि आप बना सकते हैं। 1937 में इलेक्शंस होती है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजॉरिटी में आती है। मोहम्मद अली जिन्ना का दिमाग खराब हो जाता है, वो बोलते हैं अब हमको सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। तो 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, कि अब जो मेजॉरिटी, जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला जो स्टेट है उसको पाकिस्तान बनाओ, वो फुल फ्लेजेड में चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जो कि फेल हो जाता है, उसके प्रोविजंस में ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले पार्ट में। और फिर गांधी जी 1942 के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जबरदस्त रिप्रेसिव मोड में आ जाती है ब्रिटिश सरकार, और जितने भी लीडर्स हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन सबको उठा के जेल में डाल देते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। इस लेक्चर के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, तो मेरे फेसबुक पेज से @education कनेक्ट पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टडी आईक्यू के कोर्सेज, हमारे कोर्सेज 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं 28 मई तक, आप जरूर इनका फायदा उठाइए। और ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पे आप कॉल करिए, और वेबसाइट भी हमारी विजिट कर सकते हैं। हर सारे एग्जाम के कोर्स अवेलेबल हैं, यूपीएससी का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कोर्स है, क्लैट एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, बैंक एग्जाम के लिए, आप बिल्कुल फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में जानते हैं। देखिए, वैसे तो ये प्राइम मिनिस्टर एटली लेके आते हैं, जो कि एक बहुत ही, मतलब वो ऑलरेडी हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करते आए होते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वर्ल्ड वॉर के दौरान पहले तो नेविल चेंबरलेन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटिश के। लेकिन हिटलर जो होता है बड़ी चाल खेल जाता है, नेवर चेंबरलेन हिटलर से डर जाते हैं, उसके बदले वो म्यूनिच एग्रीमेंट साइन करते हैं हिटलर से, बोलते हैं भैया ऐसा है जर्मनी का कुछ तुम पार्ट रख लो, लेकिन युद्ध मत छेड़ना। हिटलर मानता नहीं है, युद्ध छेड़ देता है। उसके बाद नेविल चेंबरलेन को हटा के विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। विंस्टन चर्चिल वही हैं जो बहुत बड़े हत्यारे होते हैं, और 1943 में जो बंगाल फेमाइन आया होता है उसके जिम्मेदार होते हैं भैया विंस्टन चर्चिल। उनकी वजह से ये बंगाल फेमाइन आया होता है, लाखों लोगों के हत्यारे होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग तस्वीरें हैं। जो चीज बच सकती थी वो इन्होंने की नहीं। ये क्या करते हैं, जो वीट होते हैं, गेहूं होता है, उसको ले जाके ब्रिटिश में भर देते हैं, बोलते हैं कि भैया अगर अगला इन्वेजन होता है तो हम कम से कम जिंदा रह सके, भारत में मरने दो लोगों को। तो लोगों की बहुत बुरी हालत हो जाती है, लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मिट्टी खाने लगते हैं, घास खाने लगते हैं, पेड़ पौधे खाने लगते हैं, लाखों लाखों लोग मरते हैं बंगाल फेमाइन में, और ये इंसान विंस्टन चर्चिल जिम्मेदार होता है। और बोलते हैं कि भैया कोई फोटो नहीं जानी चाहिए ये जो बंगाल फेमाइन की, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फोटोज होती हैं, इंसान बिल्कुल एक हट्टी का ढांचा बन गया होता है। ये फोटोज जो है वो आप लंदन में मत भेजिएगा, सीधे वाइस रॉयस को जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो सर्कुलेट होती है, इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर टू जीतने के बाद भी विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं,
क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मतलब इनको चुना जाता है और इनको भगा दिया जाता है, सत्ता पलट जाती है इनकी, ठीक है। तो क्लेमेंट एटली को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ये ऑलरेडी काफी पहले भी बोल मतलब बहुत पहले से इंडिपेंडेंस में इंटरेस्टेड होते हैं और फाइनली अब इनके पास एक चांस होता है। 1945 के बाद बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो गया होता है, काफी नुकसान हुआ होता है ब्रिटिश को, और सुपर पावर तो अब बिल्कुल नहीं रहता है, तो वो बस अब खींचना चाहता है हर कंट्री से हाथ। तो वो बस ये चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके भारत को पावर हम दे दें और यहां से बोरिया बिस्तर समेट के ले जाएं, हमको अब यहां रहना ही नहीं है, भले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाए चाहे मुस्लिम लीग बनाए। तो इसी के लिए वो कैबिनेट मिशन प्लान लेके आते हैं। क्रिस्प मिशन तो पूरा का पूरा फेल हो गया होता है। अब इसके मेंबर कौन होते हैं, एक तो लॉर्ड पेथिक लॉरेंस और एक स्टैफर्ड क्रिप्स, एक और होते हैं एक स्टैफर्ड क्रिप्स, ये वही होते हैं जो क्रिप्स मिशन लेके आते हैं, चार साल बाद फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके जो प्रोविजंस होते हैं वो कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें कुछ प्रोविजंस में तो एग्री हो जाती है लेकिन कुछ में एग्री नहीं होती है, कांग्रेस बिल्कुल बिखर जाती है, कांग्रेस बिल्कुल एग्री नहीं होती है। वो क्या प्रोविजंस थे, देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि इसके बाद इलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस में कांग्रेस जीत के आती है और मुस्लिम लीग जो होते हैं इससे काफी त्रस्त भी हो गए होते हैं कि ये क्या हो रहा है बार बार, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको फटाफट इसके जरा प्रपोजल्स और प्रोविजन समझा देता हूं कि कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल्स क्या थे या प्रोविजंस क्या थे। सबसे पहले तो इंडिया जो है पूरी एक फेडरेशन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट बनाएगा। फेडरल मतलब क्या होता है, सेंटर प्लस स्टेट्स, ये पूरी की पूरी फेडरल गवर्नमेंट भारत बनाएगा। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन का जो चार्ज होगा वो पूरा का पूरा भारत के पास रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भारत के पास रहेंगी। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी ना इसमें, ये थी कि तीन पार्ट में डिवाइड करो। इसमें एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी का होगा। अब मुस्लिम मेजॉरिटी में इसमें आएगा पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उसके बाद सिंधन बलूचिस्तान, ठीक है। दूसरा फिर आसाम और बंगाल, ठीक है। तो ये सब ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, जिसमें से दो जो होंगे, दो कौन से, आसाम बंगाल बलूचिस्तान और सिंध पंजाब, और उसके बाद जो तीसरा है बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया, जितने भी बाकी प्रोविंस है उनको पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्ट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो ही बनाएगी, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्ट होके आएगी। उसके बाद जो ये ग्रुप्स हैं, ये तीनों के ग्रुप्स, मतलब जो इन तीन ग्रुप्स में बांटा गया है, इन तीनों का खुद का यूनियन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी इन ग्रुपिंग्स के बाद, पावर जो है ना वो स्टेट पे ज्यादा रहेगी, ठीक है, और मतलब सेंट्रल के पास कम रहेगी। इसमें ये था। अब इसमें क्या था कि ये वाला जो प्रोविजन था इसमें मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा खुश थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि स्टेट के पास ज्यादा पावर रहे, क्योंकि अगर स्टेट के पास ज्यादा पावर रहेगी तो बाद में जब वो हटेंगे, मतलब ये भी इसमें प्रोविजन था कि 5 साल बाद आप हट भी सकते हैं, तो जब वो हटेंगे तो वो पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे। भारत इससे बिल्कुल, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी INC, वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं थी कि ये जो सेपरेट, मतलब ये जो पूरा का पूरा एक वीक जो सेंटर है ये हमको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और हाँ एक चीज और, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत खुश थी लेकिन मुस्लिम लीग बिल्कुल भी इससे खुश नहीं थी। तो इसके रिजेक्शन से, मतलब ये जो फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान का जो रिजेक्शन था ये थोड़ा इनको काफी सही लगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस के खिलाफ, ये पूरी कांग्रेस इसके खिलाफ थी और जवाहरलाल नेहरू ने इसको बिल्कुल ही कंडेम किया कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, इस ग्रुपिंग, ये जो ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस है ये नहीं हो सकती कि एक पूरा पाकिस्तान का और बाकी जो दो प्रोविंस हैं वो आपके पूरे क्या कहते हैं कि हिंदू मेजोरिटी के हो गए। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था। और इसमें जो लीव करने का प्रोविजन था वो भी बिल्कुल सही नहीं थे। फिर उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है और चीजों को सही करता है। उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं, उसमें कांग्रेस पावर में आती है। मुस्लिम लीग जहाँ पे मुस्लिम सीट होती है वहां पे इनको मेजॉरिटी जरूर मिलती है, लेकिन मतलब जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सीट्स है वो कांग्रेस ही ओन करती है। तो अब आगे देखते हैं। इससे प्रॉब्लम करके, इससे खफा हो गए कि पाकिस्तान अपना नहीं होगा, क्योंकि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल बोलती थी कि पाकिस्तान तो हम नहीं बनाने देंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है, ये बंटवारा नहीं होगा, पार्टीशन नहीं होगा। जिन्ना बोलते हैं ठीक है,
डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दो, लेकिन पीसफुल करना। लेकिन पीसफुल उनको भी पता था नहीं होगा, ये जो डायरेक्ट एक्शन डे होता है ना, इसमें हालत खराब हो जाती है। इस डायरेक्ट एक्शन डे में बहुत जबरदस्त किलिंग्स होती हैं, मुस्लिम एकदम से अटैक कर देते हैं और उसके बाद हिंदू भी अटैक करते हैं, तो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जाने जाती हैं। लोकल गैंगस्टर जो होते हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आम जनता पिसती है, जो कि सबसे ज्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात है जितनी भी अथॉरिटीज होती है ना, पूरी साइलेंट होती है, चुप होती है, इस शहर को जलने देती है। और ये जो हिंसा है ना, ये कलकत्ता से फिर बंगाल के क्षेत्रों में, फिर बिहार के क्षेत्रों में भी फैल जाती है। लोग लूटने लगते हैं, ज्वेलरी शॉप को लूटने लगते हैं। इसमें एक इंसिडेंट मैं पढ़ रहा था, इसमें क्या होता है कि एक ज्वेलरी शॉप का ओनर होता है, वो अंदर होता है, जबरदस्त मॉब आता है और भयंकर तरीके से पीटने लगता है उनके जो दुकान का शटर होता है। वो निकलते हैं, बहुत एजेड होते हैं वो इंसान, हाथ जोड़ते हैं दोनों, बोलते हैं कि भैया जो लेना हो ले लो, मुझे छोड़ दो। एक 14 साल का लड़का आता है, हाथ में रॉड होती है, थपाक करके सर पे मारता है, वो नीचे गिर जाते हैं, खून निकलने लगता है, वो नीचे गिरते हैं और उसके बाद मार मार के, पीट पीट के उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट उस समय बहुत जबरदस्त आम थे, 5,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं दोनों साइड से, और ये बहुत ही ब्रूटल होता है। एक इंसान इसमें, सिर्फ एक इंसान को सबसे ज्यादा दुख पहुंचता है, और वो होते हैं महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। ये बोलते हैं कि अब मैटर मैं अपने हाथ में लूंगा। महात्मा गांधी तो कभी भी पार्टीशन के पक्ष में थे ही नहीं, मेरी लाश के ऊपर से होगा बंटवारा, कभी भी नहीं चाहते थे। वो जिन्ना को भी उतना ही मानते थे जितना वो नेहरू को मानते थे, ये नहीं जानते थे वो कि बंटवारा हो। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तो वो फिर टूर करते हैं, ठीक है, नुआखली में पूरा टूर करते हैं और प्रेयर मीटिंग्स करते हैं वो, ताकि प्रेयर मीटिंग्स इसलिए करते हैं ताकि मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ में आए और यूनाइट हो जाए। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि हिंदू तो आते हैं प्रेयर में लेकिन मुस्लिम नहीं आते हैं। इवन क्या होता है कि गांधी जी नंगे पैर जाते हैं, ठीक है, कहीं पर ट्रैवल करते हो नंगे पैर करते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि उनके रास्ते में कांटे फेंक दिए या हड्डियां फेंक दी, तो ऐसी ऐसी चीजें भी सामने आई थी। तो मुस्लिमों ने बिल्कुल इनका बॉयकॉट किया था, लेकिन हिंदू प्रेयर्स मीटिंग में आए थे, तो उस समय महात्मा गांधी को भी काफी धक्का लगा था, काफी दुख पहुंचा था, और बोला था कि अब कुछ हो नहीं सकता बंटवारे के सिवा। इसी बीच लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, इनको भेजा जाता है कि भैया ऐसा है अब तुम सॉल्व करो। ये ऑलरेडी कमाल के जनरल होते हैं और एक मैन ऑफ वर्ड्स होते हैं ये, ठीक है, मतलब ज्यादा इधर उधर नहीं देखना, एक डेट डिसाइड करते हैं, ऐसा इनके बारे में फेमस था, एक डेट डिसाइड करते हैं और उसी पे बोलते हैं कि हमको इसी दिन को वो काम करना है। बहुत ही अगर पर्सनल मैं इंटरव्यूज की बात करूं, मतलब मेरा पर्सनल नहीं, लेकिन जो और लोगों ने लिया है और जो और लोगों ने शेयर किया है इंसिडेंट, या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की बात करो, तो उसमें तो ये लिखा गया है कि काफी चार्मिंग पर्सनैलिटी थे, पर्सनली काफी स्वीट थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन तो बिल्कुल लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हो गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या होता है, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, कि प्राइम मिनिस्टर एटली जो होते हैं वो बोलते हैं भैया जून 1948 में, फरवरी 1947 में ये अनाउंस करते हैं प्राइम मिनिस्टर एटली, जैसा कि मैंने बताया उनको बहुत जल्दी होती है जाने की, तो बोलते हैं कि भैया जून 1948 तक हम यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेंगे, अब बाकी तुम लोग की प्रॉब्लम जो करना है करो, जिसको भी सरकार बनानी है आगे आ जाए, मैं उसको पावर दे के निकल जाऊंगा। लेकिन इसको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रीपोन कर दिया जाता है 1947 में, ठीक है। इसी बीच सिरिल रैटक्लिफ को बुलाया जाता है कि भैया देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि आखिरी टाइम तक पता नहीं होता है कि कौन सा स्टेट पाकिस्तान के साथ रहेगा और कौन सा स्टेट हिंदुस्तान के साथ, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और अगर ये पहले अनाउंस कर देते कि भैया पार्टीशन, मतलब इतने देश, मतलब इतने स्टेट जो है वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे और ये एरिया हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, और बीच में एक लाइन खींचे कि बॉर्डर एरिया ये होंगे, तो इतनी जाने बच सकती थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये डिले का, आखिरी टाइम तक किसी को पता ही नहीं था, ये नहीं पता था कि लाहौर किस साइड जाना है, उस समय पंजाब के कैपिटल था लाहौर, किधर जाएगा, भारत के पास जाएगा, पाकिस्तान के पास जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, यहां सब जानते हैं विलेजेस थे, गांव थे अगल बगल, और लोग जनरेशन से रह रहे थे, उनकी जनरेशन यहां पर रह रही थी। अब सोचिए कितना मुश्किल होता होगा किसी के लिए। आप ही अपना एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप किसी अपने ही मकान में कितने जनरेशन्स वहां पे रही, आपके परदादा दादा, आप भी बचपन से वहां पे रहे हैं, और एकदम से आपको अगर माइग्रेट करना पड़े अलग ही जगह, तो बहुत ट्रोमेटिक होता है। तो ये जाने बचाई जा सकती थी,
लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी की इसमें सीधा लापरवाही देखने को मिली। वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले थे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और उन्होंने बोला था कि भैया ऐसा है कि अब पाकिस्तान का बंटवारा मतलब हिंदुस्तान का बंटवारा करी दो, वरना और प्रॉब्लम हो जाएगी और ये मूवमेंट जो है वो और वॉयलेंट होते जाएंगे, जो इनको मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे हैं, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और ये जो डायरेक्ट एक्शन डे ये जो अनाउंस किया था ना, इससे जितनी भी क्षतियां हुई थी उससे बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वल्लभ भाई पटेल का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, आप देख लीजिएगा, बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब दो जिनको जो चाहिए वो दे दो और हम लोग अब अपने देश को बनाना शुरू करते हैं। जो स्टेट्स हैं, जो भी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे जो प्रिंसली स्टेट हैं वो हमारे देश में आएंगी, उनको इनको एक पेपर साइन करना था जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहते थे, कि फाइनली हमारे पास हैं आप, जो प्रिंसली स्टेट है वो हमारे पास ही रहेंगी, ठीक है। तो बोले कि अब इन सबको एक करो वरना हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान अलग हो रहा है, होने दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब 1947 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एकदम से लॉर्ड माउंटबेटन ने बोल दिया कि हम 1947 में ही छोड़ के जाएंगे, जून 1948 में नहीं, हम जल्दी छोड़ के जाएंगे। इसने और ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया। फरवरी 1947 में ये अनाउंस होता है कि जून 1948 में चीजें मतलब हम जो भी ब्रिटिश है वो अथॉरिटीज जो पावर है वो भारत को सौंप के जाएगी। एकदम से उन्होंने बोल दिया कि नहीं अब हम अगस्त में निकल रहे हैं। दो तीन महीने में, इतने कम समय में कैसे इंतजाम होगा, लेकिन हमारे लीडर्स ने ये कर दिखाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब उसके बाद क्या है कि जितने भी हिंदू एरिया थे वो भारत को दिए गए, जितने मुस्लिम एरिया थे वो पाकिस्तान को दे दिए गए, और बीच में एक लाइन बनानी थी, रैटक्लिफ लाइन, ठीक है। और रैटक्लिफ लाइन वो डिसाइड करेगी कि कौन सा बॉर्डर होगा, लेकिन वो लास्ट तक डिसाइड नहीं हो पाई, तो इससे कम्युनल वॉयलेंस और भड़क गए, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन फाइनली प्लान लेके आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है, जिसको जून 3 प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा है कि आपको अगर ये पॉइंट्स मंजूर हैं तो हम तैयार हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि सिख हिंदू मुस्लिम जो पंजाब में हैं और बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वोट करेंगी। इसमें वोटिंग भी हुई, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या था कि दो ग्रुप में डिवाइड कर दो, पंजाब और बंगाल, और वहां पे फिर वोटिंग करा दो, ठीक है, किसको पार्टीशन में जाना है किसको नहीं जाना है, ठीक है। अब अगर वोटिंग पार्टीशन के खिलाफ हुई तो कर दो पार्टीशन, ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें और भी प्रोविजन थे, मैं बहुत अंदर नहीं जाऊंगा अभी। फिर उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान को ओन डिसीजन लेने थे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो फ्रंटियर है और सिलेट डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान है वो रेफरेंडम यहां पे भी वोट होगा, ठीक है। और इंडिया 15 अगस्त 1947 तक इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ बंगाल जो था वो पूरी तरह से रूल्ड आउट किया गया, और बाउंड्री कमीशन भी मतलब वही जो लाइन खींचनी है बॉर्डर पे वो भी सेटअप की गई। तो ये सारे प्रोविजंस थे और ये सारे के सारे मान लिए गए, लगभग सभी मान लिए गए इंटरनेशनल कांग्रेस ने, और फाइनली डिविजन हुआ, ठीक है, पाकिस्तान बना, ठीक है। पाकिस्तान ने अपना 14 अगस्त 1947 में अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, उसके एक दिन बाद हमने किया, ठीक है। सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, इंडियन पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया, और उसके बाद फिर इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जब ये पूरा का पूरा प्लान एक्सेप्ट किया गया। 3 जून को यह बोला गया कि जो भी प्रिंसली स्टेट है वो या तो इंडिपेंडेंट हो सकती है या फिर किसी दो डोमिनियंस को ज्वाइन कर सकती है, लेकिन इंडिया पे ज्यादा फोकस था उनका और इंडिया ने किया। उसके बाद फिर वो अलग कहानी है कि किस तरह से वल्लभ भाई पटेल ने जबरदस्त तरीके से अपना पूरा डिप्लोमेटिक माइंड और गजब की लीडरशिप स्किल्स दिखा के सारे स्टेट्स को यूनाइट कर दिया, जिसमें हैदराबाद में तो फोर्स का यूज करना पड़ गया था। कौन सा भैया ऑपरेशन था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक ही सवाल पूछा आज मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप के लिए 1945 के बाद यूएन बना था ना भैया, कि वॉर ना हो, ठीक है। इसके रेजोल्यूशंस तो वैसे तो आजकल इतना कोई मानता नहीं है, इसराइल तो बिल्कुल उसकी अनदेखी करता है, लेकिन उस समय बना था यूनाइटेड नेशंस, और फाइनली पाकिस्तान ने अप्लाई किया, एक्सेप्ट हुआ। भारत तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में था ही। कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू, ये उनकी गलती थी, यूनाइटेड नेशंस चले गए थे लेके, उनको लग रहा था कि ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक अटका हुआ है। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब भैया वॉयलेंस जो हुआ ना पार्टीशन के बाद,
इसने हालत खराब कर दी। जॉन मूर एक मतलब उस समय आर्मी के जनरल थे, मतलब कमांडिंग ऑफिसर थे, तो वो एक गांव से लौट रहे थे। वो बताते हैं कि मैं गांव में आया, ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस साइड वो गांव था, ठीक है। वो एक गांव में आए तो वो देखते हैं कुआं था वहां पे, और ऊपर तक लाशें भरी हुई थी उस कुएं में। एक औरत प्रेग्नेंट थी, उनके अपर पार्ट्स को काट दिया गया था और टुकड़े 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 करके फेंके गए थे, ठीक है। तो ऐसी हिंसात्मक चीजें सामने आई हैं। स्टोरीज की जहां बात करें, रूह कांप जाती है, आत्मा कांप जाती है, ठीक है। बहुत मौतें हुई, मास माइग्रेशन हुए हैं रिफ्यूजीज के, एकदम से सदियों से जो रह रहे थे, ठीक है, सदियों से जो रह रहे थे वो एकदम से पराए हो गए। अब इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, दोनों साइड खुश नहीं थी, ना हिंदू ना मुस्लिम। इवन आपको बताता हूं कि मुस्लिम एरियाज में, मैं किसी गांव का नाम नहीं लूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, किसी भी गांव का मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, किसी भी कम्युनिटी का मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि दोनों कम्युनिटी ने सफर किया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदूज हो, दोनों ने एक दूसरे को प्रोटेक्शन दी है। इसमें एक किस्सा ऐसा है कि वैसे तो दोनों मैं पैरेलली बताऊंगा कि मुस्लिम जब ये पार्टीशन हुआ था, अनाउंस हुआ था, तो रावलपिंडी में बगल में एक विलेज था, वहां पे एक सिख परिवार रहता था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिख्स को हुई थी, सिखों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि पूरा पंजाब डिवाइड हो गया था और यहीं पे ही बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। अ ट्रेन टू पाकिस्तान का भी मैंने रिव्यू किया है, आप जरूर देखिएगा उसे, खुशवंत सिंह की नॉवेल है, ठीक है। तो उस एरिया में, रावलपिंडी के जो विलेज था, वो एरिया में क्या था, मुस्लिम जो है वो मारने आए, ठीक है, सिखों को बगल में। अब ये वही शरारती तत्व थे, हर कोई नहीं इसमें शामिल था, लेकिन शरारती तत्व तो थे, बगल में उनके पड़ोसी रहते थे, उन्होंने उनको पनाह दी थी, ठीक है। और उन्होंने जो मुस्लिम मारने आए थे उनसे बोला चिल्ला के कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ शर्म कीजिए। तब मुस्लिम ने उनसे बोला, जो बगल में जो मुस्लिम ने सिखों को पनाह दी थी, कि अगर तुम चुप नहीं बैठोगे तो तुमको भी काट देंगे। और एग्जैक्टली ऐसे ही एक इवेंट भारत के पंजाब में भी हुआ, जब सिखों ने एक मुस्लिम परिवार को पनाह दी थी और बोला था कि आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि कोई इस अनफॉर्चुनेट इवेंट को रोक नहीं पाया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त पॉपुलेशन एक्सचेंज हुए थे, और 330 मिलियन, ठीक है, और 30 मिलियन वेस्ट पाकिस्तान में, और 330 मिलियन जो भारत में है, और 30 मिलियन पीपल ईस्ट पाकिस्तान में, इतने लोगों के पॉपुलेशन एक्सचेंज हुए थे, ठीक है। काफी दिक्कतें हुई थी, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गई थी, और यहाँ पे बड़े बड़े कैंप्स भी लगाए गए थे, और इन कैंप्स में एक बार जवाहरलाल नेहरू ने विजिट भी किया था, तो इतना लोग परेशान हो गए थे कि जवाहरलाल नेहरू को जान से मार देना चाहते थे। उसमें उनकी गलती नहीं थी, क्या करें, सारी गलती इस समय ब्रिटिश की थी, ठीक है। लेकिन और एक चीज और बता दूं कि अब आप बोलेंगे कि आर्मी का यूज क्यों नहीं हुआ, आर्मी का यूज होना चाहिए था, आर्मी लॉ एंड ऑर्डर संभाल देती थी। देखिए, उस समय आर्मी जो थी ना, वो स्प्लिट हो गई थी, ठीक है, आधी हमको आधी पाकिस्तान को। दूसरी बात, मैक्सिमम आर्मी ऑफिसर्स जो थे वो छुट्टी पे थे वो, और क्योंकि उनको अपने परिवार की चिंता थी, वो वहां पे लगे हुए थे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। दूसरी बात, कुछ आर्मी ऑफिसर जो थे, क्योंकि कुछ जो काफिलों में जाते थे, जो माइग्रेट होते थे, हिंदू मुस्लिम्स काफिलों में करते थे, तो कुछ आर्मी ऑफिसर्स उन काफिलों के साथ होते थे, तो वो तो ऐसी ऐसी हॉरिफिक स्टोरीज बताते हैं कि एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि एक ऑफिसर था, वो ये बताता है कि जब हम जाते थे तो बगल में छोटे छोटे बच्चों की लाशें पड़े होते थे, छोटे छोटे बच्चों की, बिल्कुल किनारे किनारे, औरतें जो थी उनको फेंक देती थी, ताकि बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट था, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो बहुत कत्लेआम हुए हैं और ये चलता रहा है, ठीक है, लेकिन अगेन जो होना है उसको होने से कोई रोक नहीं सकता। फाइनली ये कुछ डेटाज हैं जो मैंने दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनको रेफर कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो बहुत बुरी ज्यादा क्राइसिस हुई थी और रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत बड़ी हो गई थी, हालांकि फाइनली इसको सॉल्व भी किया गया, ऐसे बात नहीं है कि इनको सॉल्व नहीं किया गया, और 1950 आते आते तक चीजें नॉर्मल हुई थी, उसके बाद फिर अलग कहानी है पाकिस्तान और भारत की। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है, पार्टीशन ऑफ इंडिया में यही खत्म करता हूं। पूरी मैंने हिस्ट्री कवर की है और एक एक चीज बताई है जो रेलेवेंस है पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए। आशा करता हूं आपको काफी लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए। और एक चीज और बता दूं, इंसिडेंट बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज हम भारतीय कम से कम बहुत खुश है, ठीक है,
काफी आराम से सब में भाईचारा है और हर एक रिलीजन जो है वो साथ मिलके रहता है। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, क्योंकि हम एक सेक्युलर है और हम आज से सेक्युलर नहीं, हम पिछले 5000 सालों से सेक्युलर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब योर व्यूज आर वेलकम, बहुत लोग इससे भी नहीं एग्री करेंगे, कोई बात नहीं, आपका व्यू है, लेकिन यही सच बात है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन भारत के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ के पब्लिक बहुत ही टॉलरेंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब मिल बांट के रहते हैं, ठीक है। तो एक क्विक रिमाइंडर, 50% डिस्काउंट पे सारे हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं, 28 मई तक ये ऑफर है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन नंबर्स या वेबसाइट पे विजिट करिए सारे एग्जाम्स के लिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।